Yeah, ready? Yes. Alive? Yeah. Alive? Yeah. Go. Hi and welcome everybody to RSB Wellness. We are here to celebrate a big achievement. We've taken a step closer to taking care of your skin and hair 24/7. I would now request Dr. Radhika Gupta and Dr. Yogesh Gupta to please unveil the beautiful products. Ready guys? Yes. For everybody, yes. Big yeah, smile. Big smile, big smile. Yeah, please, Hello. Come, let them get the clinic. I'm glad आपको क्लिनिक इतनी पसंद है. It is definitely a very beautiful clinic, which is owned by Dr. Yogesh and Dr. Radhika Gupta. So हमारी association काफी सालों से है. बहुत सालों से है. Actually आपने right adjective use किया है. Beautiful है. It looks good aesthetically also और इनके services भी बहुत अच्छे हैं. So when you finish the services and you go out, you're happy with the face, you're happy with the way the body is looking, and you're extremely delighted. And the moment आप enter ही करते हैं, इतने positive vibes हैं. It's such a beautiful and peaceful place. And it's so beautiful to look at, and they make you also feel beautiful with their services. And before the services, when you come here, the first thing that you do is have the coffee. Because yeah, their coffee is out of this world. Me and Tanvi, so we come and say, please give us coffee. Services baad mein, pehle coffee. And actually, jo aapka dil jeeta hai, wo hai unki warm hospitality. Yes. They are such lovely and warm people. So we keep coming back to RSB all the time. जी. And you know, ek actor ki life mein, matlab fit hona to bahut hi compulsory hai. And jana aapne. स्किन का भी ध्यान रखना है जी. सो पहले तो ये कि फिटनेस मंत्र क्या कुछ होता है आप लोगों का? तन्वी जी आपसे भी जानना चाहेंगे. तन्वी इतनी फिट है उसको पूछो. ओके, दोनों ही लेडीज है तो मैं लेडीज फर्स्ट भी नहीं बोल सकता एक्चुअली. नहीं नहीं, बट शी इज मच फिटर देन मी. आस्क आई एम फिट बट देयर इज नो जिम इन माय लाइफ. मैं ऐसे ही टैबलेट से अपनी जिंदगी गुजारती हूं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, यू आर टू लेजी और व्हाटएवर, यू डोंट फील लाइक ईटिंग ऑल दोस ग्रीन वेजिटेबल्स. क्योंकि कौन खाएगा दूधी, कौन खाएगा कैप्सिकम. सो समटाइम्स इफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर इनसाइड अ टैबलेट, समटाइम्स यू जस्ट वांट टू टेक द इजी वे आउट. कभी-कभी मैं ये भी करती हूं. सो अच्छा, आई मीन आई जस्ट गॉट टू नो. दूसरी टैबलेट्स खानी पड़ती है. बट या लाइक ऑफकोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ फिट. एंड जिस फील्ड में हम हैं, इट्स ऑलवेज यू नो गुड टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट. तो या आई थिंक बहुत लोगों ने मुझे भी पूछा, आई हैव लॉस्ट वेट एंड ऑल. सो वेल, आई हैव लॉस्ट वेट बिकॉज मैं अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती हूँ. आई हैव एलिमिनेटेड शुगर फ्रॉम माई लाइफ, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है शुगर. And obviously sometimes I do yoga, then I used to go to the gym regularly. So बहुत सारी ways हैं. Sugar तो आदमी सबसे बड़ा दुश्मन होता है. इसके अलावा you know एक actor को look भी beautiful होना पड़ता है, जैसे ये clinic है. So आप बताइए कि अपनी skin का कितना ध्यान रखते हैं तन्वी जी and Vahbiz जी? Cleanups और facials तो कराना ही पड़ता है, I think, because हमें blackheads, whiteheads हो जाते हैं. So it's important to do that. कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल. समटाइम्स स्किन बहुत अच्छी होती है, जैसे कि कश्मीरी लोग, इवन पारसी लोग, इनको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हम मद्रासी लोग, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी. आप देखेंगे मेरी मम्मी आएगी ना, फिर आप देखेंगे. नहीं, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, टू टेक केयर ऑफ योर हेयर. दैट इज व्हाई वी हैव क्लिनिक्स लाइक आरएसबी, व्हिच मेक योर लाइफ इजीयर. लाइक आर एस बी का बेस्ट पार्ट है कि इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन. यहाँ आप
अपनी हेयर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्किन का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट इट इज का भी ट्रीटमेंट है एवरीथिंग सारे. आई मीन हेयर लाइन का आई फील नाउ दे इंट्रोड्यूस हेयर आल्सो, सो सम मेन हैव अ प्रॉब्लम विद देयर हेयर, दे कैन कम हियर एंड डू यू नो, कभी वो बॉल्डनेस आ जाती है मेन. बहुत लड़कों को लगा कि अरे तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया है, हम क्या करेंगे यहां ऐसे. अरे आप आइए, ये लड़कों के लिए भी जगह है, आपके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, यू हैव योर हेयर रेमेडीज एवरीथिंग, इनके पास हेयर ट्रीटमेंट्स भी बहुत है. यू नो क्योंकि आप आज की शाम होस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हमें और जरा बताइए कि और यहाँ पे लाइक किस किन किन चीजों का ट्रीटमेंट, जैसे आपने हेयर बताया, लड़कों का भी हेयर का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, लेजर हेयर रिमूवल का है, बिकॉज लड़कियों को यू नो और या जो भी है, पीपल वांट टू कीप देयर हैंड्स एंड लिम्स क्लीन. एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज, आजकल लड़के भी हेयर रिमूव कर रहे हैं लेजर से, तो दे हैव परमानेंट हेयर रिमूवल आल्सो. वो है बॉडी पॉलिशिंग है, फेस के ट्रीटमेंट्स है, हाइड्रा फेशियल इज देयर, lot of latest clinic ke sare ha latest treatments they always keep introducing the latest technology which is the best part, to hame kahin aur jaane ki zarurat nahi padti ji, kyunki aapke to hamare industry mein bahut sare dost hain, to particular aise kisi ka treatment ke liye unhe invite karna chahenge ki aap aaiye and particular sabko yaar we should give all well actually I think benefit sabko hi hota hai aise gorgeous clinic mein aake, especially as I said jahan ka hospitality bhi acha hai, services bhi achhe hain, so हमने तो हमारे सारे दोस्तों को बुलाया है, because we want all of them to benefit and use the services. Yes yes, हमारे तो इनफैक्ट इतने कॉमन फ्रेंड्स हैं, सो ऑल ऑफ अस, हमारा जो ग्रुप है वो सब यहीं पे आते हैं सर्विसेज करने. आज देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल कमिंग, सो सो मेनी न्यू पीपल कैन सी के यहाँ पे क्या क्या होता है. आज के दिन अगर मैं बातें करूँ, तो आप लोगों ने अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाया सर, क्योंकि आज का दिन काफी स्पेसिफिक है. नहीं नहीं, हम लोग कल कॉन्सर्ट में थे, केटी पेरी के कॉन्सर्ट में हम लोग नाच रहे थे, सो वी डिडंट हैव द टाइम टू डू इट, बट वंस अ मंथ आई कम ओनली टू डू माय ट्रीटमेंट. नहीं आज के दिन तो कुछ नहीं है, आज के दिन टाइम नहीं मिला. कितना एंजॉय किया आपने केटी पेरी का कॉन्सर्ट? अरे बहुत ज्यादा, नाच नाच के पागल हो गए. इट वाज नाइस, वी हैड अ गुड टाइम. या ओके, सो फाइनली कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस के लिए स्किन और हेयर का जरूर ध्यान रखना, नॉट ओनली फॉर एन एक्टर, फॉर एनीबडी इन एनी प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉट ओनली द एक्टर्स हु आर सीइंग दिस, आई थिंक एवरीबडी हु इज अ गर्ल अ बॉय, हूएवर इज कंसर्नड अबाउट देयर बॉडी एंड देयर वेलबीइंग शुड डेफिनेटली विजिट द क्लिनिक. सो आई वुड लेट्स से विजिट आरएसबी. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोज भी कर सकते हैं. योर फेवरेट कौन सा फेवरेट सॉन्ग था आप लोग का? Thank you. Okay.
तो सबसे पहले ये क्लिनिक आपको कैसा लगा ये जानना चाहेंगे? वेल, हम लोग एक साल से यहाँ पे रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और राधिका जी की गाइडेंस के अंदर हम लोग सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं यहाँ पे. ऑलमोस्ट एवरी मंथ आते हैं यहाँ पे एंड आई फील उनके पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट्स हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए. एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी आसपास रहते हैं या फिर यहाँ पर आना चाहते हैं, लुफ्त उठाना चाहते हैं अच्छी स्किन का, अच्छे हेयर का, तो यू गाइस शुड कम हियर एंड डेफिनेटली ट्राई द ट्रीटमेंट्स. दे आर वर्ल्ड क्लास एंड क्वाइट इनोवेटिव एज वेल. कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं. आज भी क्या है स्विगी? अरे नॉट देयर यार, वायरल. ओ माय गॉड, हाउ आर यू? हेलो आंटी, हाउ आर यू? आज भी आज के दिन ट्रीटमेंट निकालते रहते हैं. हाँ, कुछ नए नए ट्रीटमेंट्स निकालते रहते हैं और आज के दिन भी उन्होंने काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं फॉर हेयर एंड स्किन. तो उसी के लिए आज उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पर आए एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स निकाले हैं क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट्स हमें ट्राई करने मिलेंगे. जी बिल्कुल. सो नेहा जी, आप भी तो ट्राई करने वाली हैं न्यू प्रोडक्ट? मैं आई एम ऑल एक्साइटेड क्योंकि राधिका जी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और मैंने काफ़ी यूज़ किए हुए हैं. सो अभी भी यूज़ कर रहे हैं? या सो हाँ, एंड आई एम श्योर जो अभी भी लॉन्च हुए हैं, आज लॉन्च हुए हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स होने वाले हैं. सो आई एम ऑल एक्साइटेड टू यूज़ देम. अब जो अपकमिंग जो ट्रीटमेंट कराएंगे वो क्या होगा अगर आप लोग अगर ऐसे कुछ ऐसे थोड़े ना हम सीक्रेट रिलील कर देंगे ऐसा हमें लगा कि आज कुछ रिलील करना चाहिए. नहीं नहीं, मैं तो मतलब बेसिक क्लीनअप्स वगैरह या फिर जैसे कुछ क्या बोलते हैं उसे, यार मुझे पता नहीं है. केयर ऑफ द स्किन. हां, लाइक हम लोग क्या ट्रैवल करके आते हैं तो वहां का टेंपरेचर अलग होता है, यहां का टेंपरेचर अलग होता है, तो स्किन कभी ड्राई हो जाती है, कभी बहुत रफ हो जाती है. हेल्दी जो एक स्किन होती है वो नहीं रहती है जब आप ट्रैवल करके आते हैं क्योंकि आप बहुत भाग दौड़ करते हैं. सो वंस वी आर बैक टू बॉम्बे वी मेक श्योर दैट वी विजिट हर सो दैट हमारा जो भी स्किन का हेल्दी स्किन से नॉन हेल्दी पे ट्रांसफर हुई है बैक टू नॉर्मल हो जाए और एक हेल्दी स्किन मेंटेन कर सके. That's what we generally do. So, जैसा कि बताया कि एक एक्टर की लाइफ में भाग दौड़ के साथ साथ में अपनी स्किन को, हेयर को, बॉडी को मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? इतनी जल्दी चल ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो हम लोग बस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि स्किन अच्छी रखने के लिए, हेयर अच्छा रखने के लिए जो आप खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए और बैलेंस डाइट होना चाहिए. आप भले आप अनाप शराब भी खा लें लेकिन आप मेक श्योर दैट यू वर्कआउट एंड यू बर्न इट ऑफ. कुछ भी आपके स्टमक में ख़राब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए और आपका स्टमक क्लीन होगा तो आपका फेस भी अच्छा रहेगा और बाल भी अच्छे रहेंगे. तो बस यही बेसिकली मैं रूल्स फॉलो करता हूँ और बहुत सारा पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं और अगर फिर भी स्किन अच्छी नहीं रहती तो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे स्किन बेहतर हो सकती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hello, my friend. Hi.
आयुर्वेदिक के बारे में मैं पता करने आई हूँ यहाँ पे, और अंदर घुसते ही आप लोगों से मुलाकात होगी, कभी मौका नहीं मिला है जाके क्लिनिक को चेक करने का, लेकिन हाँ मुझे बताया गया है कि स्किन केयर को लेके काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडियाज आरएसबी वाले लेके आए हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. सच वाला जवाब चाहिए या टिपिकल एक्टर वाला जवाब चाहिए? आई थिंक फिटनेस एंड स्किन एंड बाल और दांत ये सब भगवान की देन हम सबको हैं, तो हम सबको ख्याल रखना चाहिए. हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पैसे दिए जाते हैं टू लुक गुड. हैविंग सेड दैट, मैं अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ जितना मैं रख सकती हूँ, लेकिन हाँ वी आर नॉट मेड आउट ऑफ प्लास्टिक. हमारे भी रिंकल्स होते हैं, हमारी भी फाइन लाइंस आती हैं, एंड दैट्स वेयर सच रेवोल्यूशनरी आइडियाज व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर कम्स इन प्ले. हैविंग सेड दैट, मैं अपनी किचन में जितनी भी चीज़ें जो मैं अच्छी हैं जो मैं खा सकती हूँ अपनी स्किन के लिए, चाहे वो टमाटर हो, खीरा हो, लौकी हो, वो मैं सब खा लेती हूँ. और जो मैं लगा सकती हूँ जैसे बेसन है, हनी है, वो मैं लगा लेती हूँ. सो आई ट्राई एंड स्टिक टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दैट्स बीन गिवन बाय नेचर. अभी तो मेकअप लगाया है. अभी मेकअप लगाया है. मेकअप का भी बहुत इम्पोर्टेंट एक यू नो एक रोल है हमारी लाइफ में टू मेक आवर स्किन लुक बेटर. आउटफिट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दैट्स व्हाई आई वोर लाइक अ लूज पेयर ऑफ पैंट्स और अ हॉल्टर टॉप. मुझे कलर्स अच्छे लगे, मैंने साथ में डाले. रोहित ने थोड़ी बहुत मदद की है ना हियर. थैंक यू सो मच. फ्यू सिर्फ एक्टर को नहीं, सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए. हाँ, कोई एक किसी किसी चीज़ में अपने रोल के हिसाब से एक्टर कभी कभी कुछ एक्सट्रीम में जाता है, लेकिन अदरवाइज अपने दांतों का ख्याल रखना, अपने बाल का ख्याल रखना, अपने स्किन का ख्याल रखना, तो पेट का ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना, ये तो हर एक तो ज़रूरी है. आजकल ज़्यादा हो गया है, आजकल सब ज़्यादा ध्यान रखने लग गए, विच इज़ अ गुड थिंग. कभी ऐसी जगहें जहाँ पे एवरीथिंग यू गेट अंडर वन रूफ बहुत काम आ जाती हैं, जहाँ पे आपको स्किन और हेयर का ध्यान रखना. आजकल यंगस्टर्स हो, आजकल मिडिल एज हो, आजकल थोड़े बड़े लोग हों, सभी अपने स्किन और हेयर का ध्यान रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, जो अच्छी बात है. सो जैसे आपने कहा कि एक्टर्स ही क्यों, अगर जैसे बाल ने भी कहा एक्टर्स ही क्यों, सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, विच इज़ करेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए.
क्या कुछ ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं आने वाले दिनों में आप लोग यहाँ पर? वो एक लड़के को पकड़ के लाएंगे ये पीछे? नहीं नहीं यार अभी तो नहीं, आगे जब इस तरफ आएंगे, मैं दूर रहता हूँ कांदिवली, वहाँ से यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर डेफिनेटली इस तरफ आएंगे अगर कुछ हुआ तो करवाएंगे यार, जरूरत पड़ी तो। आने वाले दिनों में तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। डेफिनेटली यार हेल्थ का ध्यान रखना ही है आपको, अगर आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे तभी अपना आपका स्किन और आपके हेयर अभी अपने आप ही ध्यान रखा जाता है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, अगर आपकी डाइट ठीक है, अगर आप वर्कआउट भी करते हैं किसी टाइप का भी वर्कआउट, वेट्स करते हैं, योगा करते हैं, जो भी करते हैं यार, तो ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स योर स्किन बाई दी एंड ऑफ इट, सो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली सब ये इन चेन के अंदर घूमता है, ये साइकिल है, तो साथ साथ सारी चीज़ें चलती हैं। ये जो अभी गौतम ने जो बोला होता है वो सेहत का ब्रेड एंड बटर होता है, ये है, ये एक्स्ट्रा चीज जिसको एक्स्ट्रा चीज चाहिए। समझिए आप साथ में आप ऐसे पोज भी दे सकते हैं देखिए मैं क्लिनिक के बारे में क्या बोलूँ, हम लड़कियाँ हैं, हम चाहती हैं कि हम सुंदर हैं तो थोड़े और सुंदर लगें, थोड़ी और ब्यूटी एनहांस करें। सो व्हेन दे टोल्ड मी अबाउट दिस क्लिनिक, एक तो खास बात यह है कि एक ही छत के नीचे आपको स्किन ट्रीटमेंट मिलेगा, हेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, बॉडी ट्रीटमेंट मिलेगा, तो और क्या चाहिए। एंड दे हैव गॉट अमेजिंग स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, अभी वो मुझे बता रहे थे काफ़ी अच्छी मशीन्स हैं, बिकॉज माई स्किन इज़ सुपर सेंसिटिव और मैं बहुत डरती हूँ कुछ भी अपनी स्किन पे करवाने के लिए, एंड आई थिंक द ट्रीटमेंट्स आर अमेजिंग, सेंसिटिव स्किन के लिए भी हैं। और देखिए मैंने आपने देखा काफ़ी जो है सप्लीमेंट्स भी इन्होंने रखे हैं, तो हम सबको बहुत मज़ा आने वाला है लाइक ट्रीटमेंट्स करा के। आई थिंक बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, थोड़ा सा भी कुछ खाती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ, तो काफ़ी डाइट का ध्यान रखती हूँ, बॉडी का ध्यान रखती हूँ, और उसके बाद मैं ध्यान रखती हूँ बालों का, क्योंकि हम लोग रोज़ाना शूट करते हैं, अभी आप देखिए काफ़ी प्रोडक्ट्स लग जाते हैं, बाल रफ हो जाते हैं, तो बाल का भी ध्यान रखती हूँ, और साथ ही साथ स्किन, बिकॉज यू नो हम लोग टीवी करते हैं और 24 आवर्स मेकअप रहता है चेहरे पे, तो मैं कहूँगी तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगी कि ये क्लिनिक में आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप घर बैठे भी अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाइए और अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाइए। Thank you.
बहुत अच्छे तरीके से बना है. देयर आर डिफरेंट रूम्स फॉर एवरी थिंग. और जैसे इट्स बीन नोन आरएसबी वेलनेस, तो ऐसे लग रहा है एक वेलनेस रिसॉर्ट में आ गए हैं. अलग अलग रूम्स हैं जो उन्होंने स्टोन्स के हिसाब से नाम दिया है. तो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी वाइब है वेलनेस क्लिनिक की. आई थिंक फिटनेस और स्किन सबके लाइफ में इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने आप का ध्यान रखेंगे तो ही आप अराउंड ध्यान रख सकते हैं. तो मैं यूजुअली योगा, वाटर, जैसे वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो मैं कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीती हूँ, अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ, और जनरली पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है. सरप्राइज है पर बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है, क्योंकि एक दो और शॉर्ट फिल्म्स है जो चल रही हैं और बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है. सो फिंगर्स क्रॉस, बहुत जल्दी आप इंटरव्यू फिर करेंगे उनके लिए. थैंक यू. आर एस बी वेलनेस क्लिनिक मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत ही 5-star हॉस्पिटैलिटी जैसा मेरे को ट्रीटमेंट फील हो रहा है यहाँ पे. बहुत ही A+ सर्विसेज हैं यहाँ पे सारी, और मैंने सुना भी हुआ है आर एस बी के बारे में. इट्स अ वेरी वेल रिनाउंड ब्रांड. एंड आज मेरी फ्रेंड वाहबिज़ दोराबजी ने इवेंट रखा है और उसी के लिए हम आए हैं. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली जब भी कोई ज़रूरत होगी हमें स्किन को लेके हम यहाँ ज़रूर आएंगे. यह देखिए, हम एक्टर हैं तो एक एक्टर के लिए ये सब चीज़ें जो फिज़िकल अपेयरेंस वाली चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ही मायने रखती हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वही स्क्रीन पे दिखना है, और वहाँ पे वी हैव टू लुक परफेक्ट, वी हैव टू लुक यू नो प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम. तो स्किन, हेयर, टीथ, बॉडी, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी वेल मेंटेन्ड. जहाँ पे हम लोग अपना जिम वगैरह वर्कआउट करके फिजिकल फिटनेस को हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात स्किन की आती है तो आई थिंक हमें बहुत इजी नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को, और सीधा करेक्ट और प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ ही अपनी स्किन के साथ कोई भी ट्रीटमेंट हमें शुरुआत करनी चाहिए. वहाँ पर आई थिंक आरएसपी वेलनेस जैसे लोग बहुत काम आते हैं. मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखता हूँ. जिम तो खैर मैं रेगुलर हूँ ही, बहुत ही पैशनेट हूँ उसके बारे में, लेकिन जहाँ तक बात स्किन की है, मैं पर्सनली कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखता हूँ. वन इज़ ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज दैट हेल्प्स रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. और उसके बाद हम जिम करते हैं तो स्वेटिंग भी बहुत ही है, तो वो भी एक तरह से स्किन को फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स को, और ब्रीदिंग होती है स्किन की आपकी उसमें. एंड देन ईट हेल्दी, बी हेल्दी एंड मॉइस्चराइज एंड क्लीन योर फेस. बेसिक चलेगा, हो गया, पैक कर दिया.